एमन एमन आपने क्या लेना, लो जल्दी लो ले लो। नहीं ना वो धोलेगी अपनी मर्जी से। ये भी क्या रही है सब्जी थी। और कुछ नहीं, चलो आ जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती बेटा। पंगे नहीं लेना, पता है क्यों करोगे? वो पता है तेरे बाबा का दिमाग खराब है। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपना खाओ। तो ये ब्लॉग जो आप देख रहे हैं है तो ये थोड़ा पुराना, ज़्यादा नहीं। आपने पिछले ब्लॉगों में देखा था, मैंने बताया था कि एमन आई हुई है, मेरी नन की बेटी। तो ये उसी दिन के जिस दिन ये आई थी रुकने, और हम अम्बिया को लेने गए थे और एमन साथ आई थी। तो हम डायरेक्ट वहाँ से निकल गए थे, पहले बाज़ार गए थे जो कि मैंने आपको दिखाया गल्फ़, और उसके बाद हम वहाँ से गए CBO, और CBO के दूसरे पॉइंट पे गए थे। उसके बाद भाई हम आ गए थे, ये न्यू कैफ़ थी, काफ़ी टाइम से ओपनिंग नहीं हुई थी अभी तक, बना हुआ ही था और क्लोज था, और क्यों नहीं खुला था पता नहीं। और जैसे ही हमने देखा कि खुला हुआ है तो हम मैकडोनल्ड्स छोड़ के हम वहाँ गए, क्योंकि KFC का फ्लेवर अलग है और मैकडोनल्ड्स का अलग। तो ये बिल्कुल मेन आपको कारफोर या मैकडोनल्ड मॉल कह लें उससे पहले कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा, और बाद में जो है अंदर जो है वो मैकडोनल्ड्स है। तो बिल्कुल आगे पीछे हैं दोनों और एक ही पॉइंट पे।
यहाँ डिनर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और दूसरे दिन का ब्लॉग फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, सुबह का, मॉर्निंग का, नाश्ते का। तो बहुत मज़ा आया था, एमन आई, थोड़े दिन रही, थोड़ा इन्जॉय करा बच्चों ने भी। मगर दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग जब बाहर निकले हैं और हमने एमन के जाने के दिन पहले हम लोग बाहर खूब घूमे और रात को तकरीबन 1 से 1.5 बजे तक हम लोग बाहर थे, आई थिंक ऐसे ही टाइम था। तो वो हमने कोई भी वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा, और हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया, ना एमन ने ना मैंने, तो वो हम बिल्कुल भी नहीं बना पाए। बड़ा मज़ा करते हम लोग बाहर निकले थे, हम साथिया, मैं और खाली एमन। तो चलें और नेक्स्ट ब्लॉग आपको दिखाते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम तमाम व्यूवर्स को हमारा बहुत बहुत सलाम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी भगवान में रखे सबको, और हम सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं जना। तो ये सुबह का आगाज़ हो चुका है, आज आपने देखा चाय और तैयार है, और ये हो है गार्लिक ब्रेड का मिक्सचर तैयार। और तुम भाई आज अभी आप ब्लॉग में देखेंगे हमारे पास आई हुई है, कौन आई हुई है, इमन आई है, मेरी नन की बेटी, और जिसको सब जानते भी हैं। और यहाँ नाश्ता तैयार हो रहा है, नाश्ता तो जबकि लेट हो रहा है, आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ और फाइनल छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो ये रूटीन जो है वो अपनी रूटीन पर आ जाएगी जल्दी वाली। वैसे तो मैं अपने काम जो होते हैं तो मुझे करना होता है, मैं सुबह ही होती हूँ, मैं नहीं सोती, हाँ अगर बच्चे सो रहे हो तो मैं भी सो जाती हूँ। तो यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है, ये सब शौक से खा लेते हैं गार्लिक ब्रेड, इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ गार्लिक ब्रेड की। और जुम्मे का दिन है तो जुम्मा सबको मुबारक, चल गया था जाइए। यहाँ बच्चों की जो है भाई चल रही है फुल लड़ाई झगड़े, और दोनों फ्राई पैन पे चल रहे हैं गार्लिक ब्रेड, और बे इंतहा की आज गर्मी हो रही है, वैसे मौसम इतना ज़बरदस्त हो जाना था, मगर आज मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, सही की सूखती थी भाई। ये नाश्ता अगर हो जाए तो क्या बात है सुबह सुबह भाई, बच्चों को इतनी पसंद है गार्लिक ब्रेड के, कितना ही बना लो कम है, तो इतनी मैं दे चुकी हूँ बना के, और अब ये जा रही है, और मैं भी साथ साथ जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, तो बस चाय निकालेंगे और फिर नाश्ता करेंगे।